फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे स्वागत है। हम लोग NCERT हिस्ट्री क्लास 6 के सीरीज में आज 7वें अध्याय को डिस्कस करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है नए प्रश्न नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ओके, इस अध्याय में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद संघ, विहार, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। इसके कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, बुद्ध महात्मा बुद्ध के विषय में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका नाम सिद्धार्थ या फिर गौतम भी था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। और ये जो समय था, यानी कि बुद्ध जिस समय में हुए, जिस एरा में हुए, वो समय लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन का था, बदलाव का था। कहने का अर्थ, उस समय बहुत सारे विचारक हुए, थिंकर्स हुए, जो जीवन के विषय में जानना चाहते थे कि जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, जीवन बीतने के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं, अगर होता है तो क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, परलोक क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पर लोग बहुत ही विचार करते थे उस समय, ऐसा समय था। अब बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बिहार का जगह है बोधगया, जहाँ पे एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुई। उसके बाद ही इन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। उससे पहले ये सिद्धार्थ या गौतम के रूप में जाने जाते थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के रूप में जाने गए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले ये वाराणसी के निकट सारनाथ, एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और फिर इसी याद में आप कह सकते हैं कि एक स्तूप का निर्माण किया गया है जिसे सारनाथ स्तूप कहते हैं। देखिए, ये पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको बुक में। फिर इनकी मृत्यु की बात करें तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है कुशीनारा, ये फैक्ट है, सारे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूछे जाते हैं बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनारा में। मृत्यु से पहले का जो इनका जीवन था, ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो है बीच का समय जितना भी था, ये पूरे जीवन पैदल इन्होंने यात्रा किया और लोगों को शिक्षा दिया। इनका शिक्षा क्या था, ये लोगों को क्या कहते थे? इनका कहना था कि जीवन जो है दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, और ये जो दुख है ये आपके लालसा और तृष्णा के कारण है, क्रैविंग्स और डिजायर के कारण है। आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, इसलिए दुखों से घिर जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि इन सब से मुक्ति का एक ही मार्ग है, आत्मसंयम। आप खुद के बारे में सोचो, खुद को समझो कि ऐसा क्यों है, क्यों हमने जो ये लालसा पाल रखा है। तो ये ऐसी जो है ये शिक्षा देते थे। फिर इनके शिक्षा का जो भाषा था, प्राकृत भाषा था। प्राकृत भाषा उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, और ये प्राकृत में इसलिए शिक्षा देते थे कि लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो पाए, लोग इनके बातों को समझ पाए। अब उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो लोग थे वो संस्कृत में अपनी शिक्षा देते थे। अब संस्कृत जो है बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता था, तो वो ब्राह्मण लोग के शिक्षा से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए बुद्ध या फिर आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म में महावीर ने भी प्राकृत भाषा में ही अपनी शिक्षा दी है, ताकि लोग अधिक से अधिक उनसे कनेक्ट हो पाएं। ओके, तो ये बुद्ध के बारे में कुछ जो है फैक्ट थी। अब हम लोग यहाँ पे एक वर्ड आता है उपनिषद। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल का ही एक ग्रंथ है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि उपनिषद में जो बातें लिखी गई हैं, जो जानकारी दी गई हैं, वो वार्तालाप के रूप में दी गई हैं। कहने का अर्थ, अगर उपनिषद में बताया गया है कि धर्म क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि किसी एक व्यक्ति ने, जैसे मान लिया आप बुक में पढ़ते होंगे राम, तो राम डैश दे के लिखा गया है कि धर्म क्या है। तब किसी दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया तो लिखा गया है श्याम, तब श्याम जवाब देगा क्या है। इस प्रकार उपनिषद को लिखा गया है, ठीक है। अब इससे क्या भाव निकल के आता है, तो इससे भाव ये निकलता है, जब आप उपनिषद को पढ़ेंगे, नाम आएगा पार्टिकुलर, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये नाम स्त्री के हैं या पुरुष के हैं, किस वर्ग के हैं, ठीक है। तो उससे फैक्ट ये निकल के आता है कि उपनिषद में जो वार्तालाप होता था, उस वार्तालाप में अधिकांश ब्राह्मण और राजा जो है पुरुष होते थे, वहीं लोग भाग लेते थे। स्त्री की संख्या बहुत ही कम है, महिलाएं बहुत कम भाग लेती थी, लेकिन गार्गी जैसे जो है कुछ विचारक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद समाज के निचले हिस्से के जो लोग थे, जो निर्धन व्यक्ति थे, वो तो बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। अपवाद के रूप में सत्यकाम जाबाल का जो है एक आपको उदाहरण दिखता है। सत्यकाम जाबाल के बारे में बताया जाता है कि ये
बहुत ही जिज्ञासु थे, ठीक है, सत्य के विषय में जानने की इनकी बहुत ही इच्छा थी। गौतम ऋषि जो एक मतलब ब्राह्मण थे, उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बनाया, ये कुछ फैक्ट था। फिर उपनिषद के विषय में जो है मृत्यु के बाद के जीवन पर चर्चा बताई गई है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है अगर होता है तो। फिर आत्मा के अस्तित्व का परिचय भी दिया गया है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उपनिषद में इन सब बातों को बताया गया है। आगे एक फैक्ट दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, पाणिनि के विषय में, पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत व्याकरण की रचना की, ये आप देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने बात की जैन बौद्ध धर्म की, पाणिनि के विषय में, उपनिषद के विषय में। अब हम लोग जैन धर्म के विषय में बात करेंगे, जैनिज्म के विषय में। जैनिज्म जो है, जैन धर्म जो है, जिन शब्द से निकला हुआ है और जिन का अर्थ होता है विजेता। ओके, इसमें जो है जैन धर्म में वर्धमान महावीर एक बहुत ही अच्छे प्रवर्तक हुए, ये संस्थापक नहीं थे, ये ध्यान रखना है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उन्होंने उस धर्म की जो है मतलब स्थापना की, लेकिन वर्धमान महावीर जो थे ये जैन धर्म की इन्होंने स्थापना नहीं की, बल्कि ये प्रवर्तक थे, जैन धर्म को एक अच्छे स्थान पर लेके गए, जैन धर्म पहले से ही चला आ रहा था। इनके इनका समय काल भी वहीं बताया जा रहा है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व वर्धमान महावीर का। इनके विषय में बताया जा रहा है कि महावीर जो है वज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के लिच्छवी राजकुमार थे, ठीक है। हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया वज्जी जो राज्य था, संघ था, वहाँ क्या सिस्टम था, वहाँ अलग अलग कुल के जो है मतलब लोग रहते थे, अलग अलग ग्रुप के लोग रहते थे, और वहाँ से राजा बनता था, एक ही राज्य में एक से अधिक राजा होता था, 7, 8, 10 ऐसे राजा हुआ करते थे अलग अलग कुल के एक एक प्रतिनिधि के रूप में। तो वैसे ही वज्जी संघ के जो है लिच्छवी कोई एक कुल होगा, कोई ग्रुप होगा, उसके ये राजकुमार थे। बताया जा रहा है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, फिर 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुई। अब ये लोगों को शिक्षा देते थे, इनका शिक्षा थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, थोड़ा सा नहीं कह सकते हैं, बहुत कठिन था। ये कहते थे कि अगर आप जैन धर्म को अपनाते हैं तो आपको बिल्कुल ही सादा जीवन, सरल रूप से जीवन बिताना होगा, घर का त्याग करना होगा, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, आपके हाथ से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी कीड़े की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये कहते थे सभी जीवों को भी मतलब जीने का अधिकार है, सबको आप संरक्षण दीजिए। फिर बताते थे कि भिक्षा मांग कर आप सादा जीवन बिताइए। इनके भी शिक्षा का भाषा प्राकृति था, वही कारण था कि लोग अधिक से अधिक इनसे कनेक्ट हो पाए। फिर ये बताते थे कि आपको ईमानदार होना है, चोरी ना करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद पुरुषों को कहते थे कि सुख सुविधा के साथ साथ आप वस्त्र का भी त्याग कीजिए, नंगा रहिए, यह भी एक अनिवार्य चीज बता दिया गया इसमें। इन सब कारणों से क्या हुआ कि बहुत अधिक लोग जैन धर्म को जो है नहीं अपना पाए, मुख्यतः व्यापारी वर्ग के लोग, उनका समर्थन इसे प्राप्त था। अब मान लीजिए जो किसान होंगे वो जैन धर्म को कैसे अपना सकेंगे, पूर्णतः वह घर का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उनको खेती करनी है, फिर खेती करने में कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें मारना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाए जैन धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म के अपेक्षाकृत थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उदार था। फिर जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि यह उत्तर भारत के अलावा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तक भी फैल गया, इसका फैलाव इस क्षेत्र तक भी था। आज जो जैन धर्म के विषय में जो हम जानते हैं, जो शिक्षाएं लेते हैं, मतलब किसी न किसी पुस्तक से हम ये जानते हैं, तो उन पुस्तकों को लिखा गया आज से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान है वहां पर। ओके, तो जैन धर्म के विषय में ये कुछ फैक्ट्स दिए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग संघ को पढ़ते हैं, संघ क्या होता है, अंग्रेजी में भी इसे संघ ही कहते हैं, ठीक है। संघ आप कह सकते हैं एक जगह था, एक संगठन के रूप में जो है जगह था जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे बौद्ध या जैन धर्म के जो लोग थे वो जाकर जब घर का त्याग करते थे तो वहां रहते थे। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि अगर आप सच्चे रूप से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, फिर घर छोड़ने के बाद कहाँ रहना है, तो इसी संघ में। अब जितने लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को जो है एडॉप्ट करते थे वो अपना घर छोड़कर इस संघ में रहते थे, संघ एक संगठन की तरह कार्य करता था जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। बताया जा रहा है यहाँ एक फैक्ट है, विनय पिटक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जितने भी बौद्ध धर्म के लोग संघ में रहते थे उनके नियम के विषय में इसमें लिखा गया है कि बौद्ध भिक्षुओं को संघ में कैसे रहना है, और फिर इस विनय पिटक को पढ़ने से कुछ कुछ अनुमान निकलता है कि संघ की व्यवस्था कैसे थी। जैसे कुछ बताया जा रहा है कि संघ में स्त्री और पुरुष के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, फिर
फिर संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, किसी को मनाही नहीं थी, लेकिन हाँ अनुमति की आवश्यकता थी। जैसे अगर कोई बच्चा संघ में प्रवेश लेना चाहे तो उसको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी, अगर कोई दास प्रवेश लेना चाहे तो उसको अपने स्वामी से, मालिक से अनुमति लेनी होगी, अगर कोई कर्जदार चाहे तो देनदार से, स्त्री चाहे तो पति से, अगर कोई राज्य का कर्मी चाहे तो राजा से अनुमति आवश्यक थी, बिना अनुमति के उसमें प्रवेश नहीं था। संघ में रहने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स होते थे कि संघ में रहते हैं तो सादा जीवन बिताना होगा, अधिकांश समय आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करनी होगी, फिर आपको शहरों गांवों में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देना है और उसके बदले भिक्षा लेना है, ठीक है। भिक्षा लेने के कारण ही इसे भिक्खु या भिखुनी के रूप में इन लोगों को जाना गया। भिक्खु और भिखुनु जो है, भिखुनी जो है प्राकृत शब्द है, जैसे आप साधु भिखारी कहते हैं, इन्हीं के लिए प्राकृत में भिक्खु या भिखुनी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए संघ में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अगर किसी प्रकार की मतभेद होती थी, आपसी लड़ाई होती थी, तो उसको बैठक के माध्यम से निपटाया जाता था, खत्म किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों को समझना है विहार, ठीक है, मोनेस्ट्रीज के विषय में पढ़ेंगे, विहार क्या होता था। जो ये लोग होते थे भिक्खु विखनी भिखुनी, या फिर आप कह सकते हैं जो जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो लोग होते थे, घर का त्याग करके इधर उधर घूमते रहते थे, तो वर्षा ऋतु में इनको यात्रा करना इनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता था। वर्षा ऋतु में बार बार एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते थे, तो इनके ठहरने के लिए जो जिस स्थान को बनाया जाता था, शरण स्थल को बनाया जाता था, उसे ही विहार के रूप में जाना गया, ठीक है। आरंभिक जो मतलब पुराने विहार थे उन्हें लकड़ी से बनाया जाता था, बाद में ईंट से भी बनाया जाने लगा, और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार देखे गए हैं जिनको पहाड़ियों में बनाया गया है, कहने का मतलब पहाड़ी है और पहाड़ी को काट काट कर अंदर ही अंदर गुफा की तरह बना दिया गया संरचना, ऐसे भी कुछ विहार मिले हैं पश्चिमी भारत में। बताया जा रहा है नॉर्मली जब विहार बनाया जाता था उसके लिए राजा या कोई धनी लोग या कोई व्यापारी या भूस्वामी भूमि दान करते थे, फिर उस क्षेत्र के नॉर्मल जो लोग होते थे आम व्यक्ति, वे मदद करते थे इन भिक्खु भिक्खुनियों को या जैन या बौद्ध धर्म के लोगों को विहार का निर्माण करने में, या फिर खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें देते थे। यहाँ बुक में एक उदाहरण दिया गया है कैसे पहाड़ को काटकर एक विहार का निर्माण किया गया है जिसमें वर्षा ऋतु के समय ये जैन बौद्ध धर्म के लोग रह सके। अब अंतिम बात आती है आश्रम व्यवस्था। अब ब्राह्मण लोगों ने एक व्यवस्था की शुरुआत की जिसे आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना गया। यहाँ आश्रम का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो है शिष्य गुरु से आश्रम में शिक्षा लेने जा रहे हैं, यहाँ आश्रम का तात्पर्य है जीवन के चरण से। ब्राह्मण लोगों ने बताया कि जीवन में कुछ चरण होने चाहिए, कुछ जो है स्टेज होने चाहिए, कौन कौन से, चार अवस्था की चर्चा की गई। पहला था ब्रह्मचर्य, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है वर्ण के जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि ब्रह्मचर्य का आप पालन कीजिए, सादा जीवन बिताइए, वेदों का अध्ययन अध्यापन कीजिए, ठीक है। अगला स्टेज था गृहस्थ। गृहस्थ में बताया जाता था कि विवाह कीजिए और फिर वैवाहिक जीवन का निर्वाह कीजिए। उसके बाद वानप्रस्थ एक अवस्था आता था जिसमें बताया जाता था कि आप घर का त्याग करके वन में रहिए। फिर सबसे अंतिम स्टेज आता था संन्यास, कि आप सब कुछ त्याग कर संन्यासी बन जाइए और उसके बाद मर जाइए जाके कहीं जंगल में। चलिए आगे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि इस आश्रम व्यवस्था के तहत स्त्रियों के विषय में कुछ खास नहीं कहा गया। ऐसा लिखा जाता है कि स्त्री जो थी महिलाएं, उनके पुरुष जो काम करेंगे उनके साथ साथ महिला को भी वही काम करना है, उनका वही काम होगा, उन्हीं का अनुसरण करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अंत में एक अलग जो है फैक्ट दिया गया है जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, जरथुस्त्रवाद, ठीक है। जरथुस्त्र जो थे ईरान के एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर थे, ये अपना शिक्षा देते थे, जैसे अपने देश में बौद्ध धर्म के बुद्ध हुए फिर ये महावीर हुए, वैसे ही ईरान में ये जरथुस्त्र एक अच्छे पैगंबर थे। ये जो शिक्षा देते थे इनके शिक्षा का संकलन जेंद अवेस्ता पुस्तक में मिलता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो जरथुस्त्रवाद आप आंसर दे सकते हैं। फिर एक बात हमें जो कनेक्ट करती है वो ये है कि जेंद अवेस्ता इनके द्वारा लिखी गई या इनके शिक्षाओं का जो संकलन है उसमें जो रीति रिवाज का वर्णन मिलता है या फिर उसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है उस सबसे पता चलता है कि वो वेद से काफी प्रभावित है, वेद से मिलता जुलता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ की गई है बुक में। अब जरथुस्त्र के मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कोट करके कि सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य किसके शिक्षा मतलब किसके शिक्षा का सूत्र है, तो कह सकते हैं जरथुस्त्र का, या पूछ सकता है किस धर्म से संबंधित यह कोट है, तो कह सकते हैं जरथुस्त्रवाद का।
बताया जा रहा है कि 1000 से भी अधिक वर्षों तक यह धर्म जो है ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में देखा गया है कि ईरान से निकलकर यह अपने देश के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में भी आके बस गया। आज जो हमारे देश में पारसी लोग रहते हैं, माना जाता है कि पारसी के ही पूर्वज थे ये जरथुस्तवाद के जो लोग ईरान से अपने भारत में आए थे। तो यहाँ अपना जो है ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक दूसरे का शेयर भी कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।